नमस्कार आदाब, स्वागत है आपका 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। मैं अमित आवेश। आज विकलांग दिवस के अवसर पर चलिए जुड़ते हैं गाजियाबाद के अंबेडकर नगर पार्क से, जहां हमारे संवाददाता मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे रिजवान संवाददाता के पास। कोई भी हो, किसान हो या विकलांग हो, इस सरकार से कोई भी खुश नहीं है। आज विकलांग दिवस था जिसको विकलांगों की खुशी का एक दिवस मनाया जाता है, मगर आज जो है विकलांगों ने इसे काला दिवस के रूप से मनाने को घोषणा की है। मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूँ, मैं इनकी आवाज़ को शासन प्रशासन तथा जो ऊंचे स्तर के राजनेता हैं उन तक पहुंचाने का अपने न्यूज चैनल के माध्यम से ये काम करूँगा। धन्यवाद। न्यूज 24 आवर्स टुडे न्यूज से मोहम्मद रिजवान, गाजियाबाद से। सर, मेरा नाम मुकेश कुमार मानव है। मैं समता से निकल जो बाबा साहब अम्बेडकर दिवाली 2024 में मनाया था, उसका मैं राष्ट्रीय सचिव और दिव्यांग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष। दरअसल आज विधवा विकलांग सेवा समिति की तरफ से जो कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ विकलांगों के साथ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि विकलांगों के साथ जिस प्रकार की जो हादसे और घटनाएं दुर्घटना देखाई होंगी। अभी मैं परसों की बात क्या बताता हूँ, मैं परी चौक से नोएडा सेक्टर 37 के लिए बस द्वारा जा रहा था। एक दिव्यांग था, उसके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट भी थी और आधार कार्ड समस्त आइडिया थी, लेकिन बस वाले ने कंडक्ट कर लिया उसको मारित करके रास्ते में उतारने का बस। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन सर्टिफिकेट चाहिए, आपको ऑनलाइन पास चाहिए। दरअसल वो प्रमाणित है कि आपको फिजिकली भी दिख रहा है कि वो हैंडीकैप है, उनके पास सर्टिफिकेट है, हैंडीकैप होने का भी प्रमाण है, उसके बावजूद अपमानित करना, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ये कुछ मानसिकता को दर्शाता है। इससे कहीं ज़्यादा अच्छा केंद्र में दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कर रही है। क्यों? क्योंकि वो केवल ये देखते हैं कि महिला है और निःशुल्क उनको सफर दे रहे हैं, निःशुल्क DTC बसों में सफर दे रहे हैं। बड़े हम जाए वहाँ, मैं कहना चाहता हूँ विकलांग, हम उत्तर प्रदेश के अगर मध्य प्रदेश चले जाते हैं तो विकलांगता नष्ट हो जाती है, हम महाराष्ट्र चले जाते हैं विकलांगता नष्ट हो जाती है, वहाँ के स्टेट के कहते हैं कि इस स्टेट का हमें पास चाहिए, और MP और MLA अगर उत्तर प्रदेश का है वो आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं। आज हमारे बीच में बबीता गुप्ता जी, जो राष्ट्रीय सचिव महिला से, आइए मैं उनसे आप लोगों की मुलाकात करवाता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। मैं आप सब लोग भाई बहन बड़ी मेरी विकलांग भाई, मेरी विडो बहने, सबके साथ में मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी हूँ। जो जनता आपके साथ में हमेशा है, मैं उनके साथ में खड़ी रहूँ, उनके लिए जो कुछ हो सकेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपकी क्या क्या मांगे हैं सरकार से? पहले विधवा लोगों के लिए पेंशन, ठीक है, 5,000 आप उसको ले जाके, बट और उनके लिए मकान, जो काबिल विकलांग लोग हैं उनके लिए नौकरियां चाहिए, ठीक है, जो पढ़ी लिखी विधवा औरतें हैं उनके लिए कामकाज चाहिए, हमारे लिए उनके लिए कुछ करना चाहिए, हम सबको, ठीक है, सरकार को भी हमारे साथ मिलकर उनके साथ कुछ करना चाहिए। छोटे रोजगार के लिए लोन आपको पहले ऑनलाइन पास, छोटे लोनों के लिए आपको छोटे लोनों के लिए लोन की अप्लाई करें, जितने भी यहाँ पर मेरे छोटे विकलांग भाई हैं जो अपने काबिल हैं, जो पढ़ चुके हैं, उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, मेरी सरकार से गुजारिश है कि उन सबको नौकरी दे, शैली काबिलियत के हिसाब से, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, उन सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं भाई साहब। और मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई बहन जितने भी हैं, जितनी विधवा मैंने जो अपने घर से दुखी है, जिन्हें सरकार की तरफ से किसी तो मदद मिलनी चाहिए कि उनके रोजमर्रा का जीवन आराम से चले, ठीक है जी, जितनी भी आज आप अम्बेडकर पार्क में जो है इकट्ठा हुए हैं, किस लिए हुए हैं बताइए? आज विश्व विकलांग दिवस है, इस विश्व विकलांग दिवस पर हम इसको
अधिकार विकलांग दिवस मनाने के रूप में इकट्ठा हुए। सरकार हमें कुछ नहीं देती, सिर्फ दिखावा करती है। विकलांग विश्व दिवस पे सरकार सिर्फ एक दिखावा करती है, कुछ नहीं देती। मायावती सरकार में इतने मकान बने, वो सिर्फ गरीबों विधवाओं के लिए बने, लेकिन किसी को भी नहीं मिले। दूडा परियोजना अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने रिश्वत, एक मोटी रिश्वत लेकर वो मकान ऐसे लोगों को आवंटित किए जो कहीं से भी गरीब हालत में नहीं है, और जो वास्तविक गरीब हैं, विकलांग हैं, विधवाएं हैं, आज भी बिना आवास के सड़कों पर अपना गुजार रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनने वाली नहीं है। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं पवन शर्मा जी पे, आप सबूत है कोई इस बात का? है, आप काशीराम का मुआयना कीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वहाँ किस तरीके के गरीब हैं। लोगों ने मार्बल के तक के मकान बना लिए हैं, लेकिन गरीब विकलांगों पे मकान नहीं है।